कोरोना वायरस के कारण न सिर्फ लोगों की जान का खतरा है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी इस कारण गिरती जा रही है। देश पहले ही मंदी की मार झेल रहा था, इस पर अब कोरोना का कहर देश की स्थिति को और भी बुरे हाल में ले जा सकता है। कोरोना से बचाव के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन देश में बेरोजगारी को बढ़ावा दे सकता है। भारतीय उद्योग परिसंघ के एक सर्वेक्षण के अनुसार इस दौरान करीब 52% नौकरियां जा सकती है। सर्वे के अनुसार लॉकडाउन के दौरान मांग में कमी आने के कारण ज्यादातर कंपनियों की आय में कमी आ सकती है, जिसके कारण कई लोगों की नौकरी जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार चालू तिमाही अप्रैल जून और पिछली तिमाही जनवरी मार्च के दौरान अधिकांश कंपनियों की आय में 10% से अधिक की कमी आने की आशंका है। कंपनियों की आय में कमी का असर सीधे देश की आर्थिक वृद्धि पर पड़ेगा, जिसके कारण 52% तक की नौकरियां कम हो सकती है। वहीं 47% कंपनियों में 15% से कम नौकरियां जाने की आशंका है। हाल में कई कंपनियों का सामान या इन्वेंटरी ऐसा ही पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी है जहां लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी 1 महीने तक के लिए पर्याप्त सामान है। अचानक लगे इस लॉकडाउन के कारण उद्योगों के संचालन पर गहरा असर पड़ रहा है, जिसके लिए सरकार को राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है, क्योंकि ये स्थिति देश को मंदी की ओर धकेल रही है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.